गुड मॉर्निंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। सो देर इज ए परसिस्टेंट रिक्वेस्ट, सर डिस्कस समथिंग अबाउट सिक्योरिटी बॉन्ड एंड द बॉन्ड्स दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कैंडिडेट्स इन वेरियस बैंक्स। नाउ दिस इज ए सब्जेक्ट विच कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन एनी वीडियो, बट देर इज ए परसिस्टेंट डिमांड, सो आई विल बी ओनली कवरिंग द ब्रॉड गाइडलाइंस अबाउट दिस। Because the bond money and the bond system varies from bank to bank, and I am not having full knowledge about each and every bank. Now, what is the meaning of security bond? Security bond is a concept where you have to enter into a bond. You need not pay money, but you have to enter into a bond, that means an agreement with the bank that you will continue in the job for a particular period of time. Some banks may prescribe it 1 year, some banks may prescribe it 2 years, 3 years, and if you want to quit prior to that, you have to compensate the bank by the bond amount. The bond amount may be 1 lakh rupees, 50,000 rupees, 2 lakh rupees, 5 lakh rupees, depending upon bank to bank. And this is clearly mentioned in your offer letter, that is letter of appointment. In RRBs, the bond amount is applicable for clerical as well as officer cadre both. In nationalized banks, this is only applicable to officer cadre. In clerical cadre, most of the banks are not asking for any bond agreement. So bond does not mean you have to pay cash before joining. There is an apprehension in some candidates, how I will arrange the cash. But yes, you have to give an agreement on a stamp paper. When you will leave the organization, the NOC will only be issued when you compensate the bank by that amount. So this is called security bond or bond amount. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। Security bond को लेके बार बार प्रश्न आता है और कहा जा रहा है कि सर इसके बारे में बताइए। इस टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत है। तो इसके अंदर वीडियो में सिर्फ हम ब्रॉड बातें करेंगे। ब्रॉड बातें से मतलब यह है कि सिक्योरिटी बॉन्ड है क्या। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या हमें ये कैश जमा करना होगा। नहीं, ये कैश नहीं जमा करना, ये एक एग्रीमेंट है जो स्टैम्प पेपर पे एग्जीक्यूट करके आपको बैंक को देना है, जिसमें आप ये वादा कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आप वो बैंक नहीं छोड़ेंगे, और अगर उससे पहले छोड़ते हैं तो इतना अमाउंट जो बॉन्ड अमाउंट है वो आप पे करेंगे उस बैंक को। अब बॉन्ड अमाउंट वेरी करता है बैंक टू बैंक। आरआरबीज के अंदर क्लरिकल और ऑफिसर में दोनों कैडर के लिए बॉन्ड सिक्योरिटी बॉन्ड साइन करना पड़ता है। नेशनलाइज बैंक में खाली ऑफिसर कैडर के लिए। कई बैंकों में ये 50,000 रुपये है, कहीं 1 लाख है, कहीं 2 लाख है, 5 लाख है। तो ये डिपेंड करता है उस बैंक की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। कहीं ये बॉन्ड पीरियड 1 साल है, कहीं 2 साल है। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक बैंक की ईमेल ही चेक करनी पड़ेगी। जब आपको ऑफर लेटर आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, उसमें ये क्लियरली मेंशन होगा। तो यदि आप वो जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और फिर क्विट करना चाहते हैं तो आपको इतना अमाउंट कंपनसेट करना पड़ता है या ये पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है। अगर इस पीरियड को कंप्लीट करने के बाद आप क्विट करते हैं तो आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं देनी है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।